I hope you are online. So guys, hello, let's crack CBSE Commerce on an academy with me, Abhijit Jaiswal. Right, I'm here to help you with 11th CBSE Commerce today. ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस सर्विसेज ये चैप्टर शुरू किया था बेटे. वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस सर्विसेज, बस खत्म होने पर ही आया है. अब बिजनेस सर्विसेज की अगर मैं आपको बात बताऊँ बेटा, तो हम लोगों ने सर्विस क्या है ये देखा, फिर इसके बाद में सर्विस के फीचर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस सर्विस क्या है ये समझने की कोशिश की. फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा था बिजनेस सर्विस में क्या क्या आता है, बैंक्स देखे, बैंकिंग, बैंक्स कौन कौन से टाइप्स के हैं, फंक्शंस देखे कमर्शियल बैंक्स के, फिर इंश्योरेंस देखा, उसके प्रिंसिपल्स देखे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखा. ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, वो है वेयर हाउसिंग. ठीक है, वेयर हाउसिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे आज. तो लेट्स मूव ऑन भाई, ये मेरे बारे में कुछ चीज़ें आप लोग आराम से इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं. आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, तो अनअकैडमी इज़ दी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. ठीक है, जहाँ पे अगर आप एक छोटा सा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे की चीज़ें मिलती हैं. व्हाट डू यू गेट? यू गेट डेली लाइव क्लासेस. ठीक है, लाइव आपको पढ़ने का मौका मिलता है, अपने कंफर्ट से अपने घर से पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप लोग को सारे कोर्सेज का. ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप लोग को इंडिया के टॉप एडुकेटर्स का, टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म पे. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस की, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा. ठीक है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे आप लोगों के लिए, कुछ भी डाउट रहा तो आपको वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं. लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी जो आपको आपको असेस करने में मदद करेगी कि आपको कितना आता है. स्टडी मटेरियल आपको बहुत ईजी PDF फॉर्मेट में रहेगा, आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, कहीं पे भी देख सकते हैं. हाउ टू राइट आंसर्स, उस पर भी सेशंस रहेंगे कि भाई आंसर्स कैसे लिखना है, एंड मेंटरिंग एंड गाइडेंस ये भी इसमें रहेगा एक प्लस सब्सक्रिप्शन में. अब इसके अलावा जो अनअकैडमी ने लाया है वो क्या है बेटा, कि आप लोग को प्रैक्टिस सेशंस दिया जा रहा है, आप लोग को वीकली मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, और लाइव क्विज जो है वो भी इंक्लूड किया गया है. हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे. ठीक है, नाउ बहुत ही बढ़िया चीज़ जो लाया है अनअकैडमी में वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? इसमें आपको प्लस की फीचर्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको मिलता है पर्सनल मेंटरशिप, है ना, आप लोगों को वन टू वन आपको हेल्प किया जाएगा. फिर इसके बाद में आता है लाइव डाउट सॉल्विंग, आप लोग को वीकली रिपोर्ट मिली दी जाएगी कि आपने पूरे वीक में कैसे क्लासेस अटेंड किए हैं, क्या रिपोर्ट रहा है आपका. पेरेंट कनेक्ट रहेगा, ठीक है, ओपन आवर्स अवेलेबल रहेंगे जिसमें कि पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पर्सनल कंसर्न्स क्या है वो डिस्कस करने के लिए, राइट. फिर स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा कि भाई आपने किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको हम आगे हेल्प करेंगे, आपके एकेडमिक्स को कैसे कवर करेंगे, पूरा आपको हम प्लान बना कर देंगे. एंड प्लस के तो सारे बेनिफिट्स हैं ही. ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताया, जस्ट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्लाइड है. नेक्स्ट भाई, बहुत सारी बैचेस हैं जो शुरू हैं, राइट, तो अलग अलग आपको यहाँ पे उनका टाइम मिल जाएगा, कौन कौन ले रहे हैं वो भी मिल जाएगा, टाइम पूरा शेड्यूल्ड है बेटा कि ये समय पे ये एडुकेटर जो हैं वही फलाना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. अलग अलग बैचेस है, साइंस के लिए है, कॉमर्स के लिए है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, सारी बैचेस चल रही है. 12th बोर्ड्स के लिए अलग बैच चल रही है, 11th बोर्ड्स के लिए अलग बैच चल रही है, ऑल द बैचेस आर गोइंग ऑन. आपके लिए टेस्ट सीरीज अलग से हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया है ऐप में, और इसके साथ में बहुत ही बढ़िया चीज़ कि आप लोग को हर हफ्ते हम लोग कुछ नया सिखाएंगे, जिसे हमने क्रिएटिव कॉर्नर कहा है. नाउ व्हाट इज़ क्रिएटिव कॉर्नर? हर हफ्ते आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाई जाएगी, वैदिक मैथ्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, पोएट्री हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई, रोबोटिक्स हो गया, ओरिगामी हो गया, मैजिक ट्रिक्स एंड इवन डिबेटें, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगी. नाउ अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग को 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 13,500, 18 मंथ्स का मिल जाएगा 18,000 में, एंड 24 मंथ्स का मिल जाएगा 22,500 में. ये तभी मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई कोड जीत. ठीक है, दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस, ये आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करने के बाद मिलेगा. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 25,200 में मिलेगा, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 31,500 में मिलेगा, एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 43,200 में मिलेगा, दैट टू आफ्टर यूजिंग माई कोड. तो आई होप आपको ये समझ में आया. ठीक है, आई होप सब लोग आ गए हैं. गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाय गौरव, सिमरन, मनप्रीत, जैद, खुचिया, निधि, हेलो बेटा, नयन, सत्यम, हर्षिता, वैष्णवी, परिमल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग.
भाई हम लोग फटाफट वेयर हाउसिंग क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं वेयर हाउसिंग क्या है। एंड अगर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है बेटा, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई डोंट नो आप लोग क्यों रुके। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग चैनल, बिकॉज देखो यार बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एडुकेटर्स हैं इस चैनल पे जो कि पढ़ाते हैं, आप लोग उन्हें भी फॉलो करें, ठीक है। सो आप लोग बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब देखिए। नाउ वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वेयर हाउसिंग, ठीक है, व्हाट इज वेयर हाउसिंग, आई होप सब लोग आ गए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब बढ़िया चल रहा है। शैल वी स्टार्ट? चलिए चलो, ओके ओके। हेलो, हाय सत्यम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग परिमल। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शुरू करते हैं बेटा। वेयर हाउसिंग, देखो वेयर हाउसिंग क्या बेटा, एक ऐसी जगह है जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप गुड्स को सेव करके स्टोर करके रखते हैं। गुड्स को आप क्या करके रखते हैं बेटा, स्टोर करके रखते हैं वेयर हाउसिंग में। आप गुड्स को क्या करके रखते हैं, आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। नाउ अगर मैं आपको वेयर हाउसिंग की बात बताऊं, तो वेयर हाउसिंग में क्या होता है, गुड्स ना कि आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं, बट उसमें आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। पहले वेयर हाउसिंग को क्या माना जाता था, सिर्फ ऐसे एक स्टैटिक यूनिट की तरह माना जाता था जहां पे गुड्स सिर्फ स्टोर किए जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं। अब भाई आपको ये प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करके देता है, पहले सिर्फ ऐसी गोडाउन उडाउन ना 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 ना, अभी पूरा कंप्यूटराइज हो गया है, अभी बहुत हाईटेक आपके वेयर हाउसेस बन गए। वहां पे अलग अलग मशीनरीज होती है जो कि वेयर हाउस में गुड्स वगैरह स्टोर करके रखने में आपकी मदद करती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप काम करते हैं, तो ये सब चीजें आपको मदद करती है बेटा, ठीक है। तो अर्लियर वेयर हाउस जो था बहुत अलग था, अभी तो वो काम करता ही है, जो पहले स्टोर करने का काम करता था वो अभी भी करता है, बट अभी उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे ये एक प्रॉपर फंक्शन बन चुका है बेटा, प्रॉपर एक बिजनेस बन चुका है कि लोग क्या कर रहे हैं, वेयर हाउस खोल रहे हैं, उसमें आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज हाईटेक वेयर हाउस रहते हैं जिसमें अलग अलग मशीनरीज रहती है जो कि आपको मदद करती है, राइट। तो देखो एक बार फटाक से थियरी देख लें, अर्लियर वेयर हाउसेज वो एक स्टैटिक यूनिट के तौर पे देखा जाता था जो सिर्फ गुड्स को स्टोर करने के काम आते थे, राइट। बट अभी जो है ना, गुड्स साइंटिफिकली, मतलब साइंटिफिकली स्टोर किया जाता था, सिस्टमैटिक मैनर में स्टोर किया जाता था, ये तो है ही, अभी भी ऐसा है, बट अब क्या है, ये एक सर्विस बन चुकी है। पहले नेसेसिटी इतना नहीं था, अभी नेसेसिटी बन चुकी है, ये एक सर्विस बन चुकी है, बिकॉज बिजनेस भी बड़े लेवल पे हो रहा है और ये सर्विस आपको कॉस्ट इफिशियंट मैनर में मिल रहा है, मतलब कम दाम में आपको सर्विस मिल रही है, ठीक है। नाउ मेकिंग अवेलेबल द राइट क्वांटिटी, ये क्या है बेटा, वेयर हाउस क्या करता है, सही क्वांटिटी सही समय पे सही जगह पे प्रोवाइड करने में आपको मदद करता है। इससे क्या होता है, जो प्राइस है ना बेटा, प्राइस कंट्रोल में रहता है। देखो अगर सप्लाई कम हो गई ना एकदम से, तो क्या होगा बेटा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा अगर सप्लाई कम हुई तो। बट अगर सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं, आप कंटिन्यू सप्लाई रखते हैं, तो आपका प्राइस भी कंट्रोल में रहता है, ठीक है। हेलो अमन, हेलो अमन, हेलो जानवी, गुड इवनिंग बेटे। चलो नेक्स्ट, अब बेटा देखो वेयर हाउस में अलग अलग मशीनरीज भी आ गई हैं, ऑटोमेटिक कन्वेयर्स रहते हैं, कन्वेयर्स मतलब ऐसे बेल्ट्स रहते हैं बेटा, उस पर आप सामान रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे, ठीक है। फोकलिफ्ट्स रहते हैं, आई होप यू कैन सी दिस इमेज, अगर आप लोग ये इमेज देख पा रहे हैं, तो ये दो फोकलिफ्ट्स है, ये कैसे, ये ऐसी मशीन, छोटी छोटी क्यूट से ऐसी मशीन रहती हैं, और उसमें ना सामने में, उनके सामने में ऐसे दो एल शेप के ऐसे दो लीवर्स रहते हैं, और वो दो लीवर्स ऐसे वो सामान के नीचे जाते हैं, मतलब गुड्स के नीचे, और वो ऐसे उठाते हैं गुड्स को, इसे हम कहते हैं फोकलिफ्ट्स, ऐसे वो गुड्स को उठाते हैं, है ना। तो ये फोकलिफ्ट्स है, क्रेन्स है, ये सारी चीजों के यूज से आप क्या करते हैं, वेयर हाउस में काम करते हैं, राइट। अब हम लोग अगर फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस देखें, तो भाई अलग अलग फंक्शंस आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करके देता है ना। व्हाट फंक्शंस डज वेयर हाउस प्रोवाइड, तो सबसे पहला है कंसोलिडेशन बेटा, सबसे पहला क्या है, कंसोलिडेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मिलाना, साथ मिलाना, ठीक है। नाउ इमेजिन आपका एक वेयर हाउस है, ठीक है, आपका एक वेयर हाउस है, और आपके एक फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई मुझे एक काम कर, मुझे तू कपड़े, मुझे एक ट्रेडिशनल वेयर, मुझे फलाना चीज़, दो तीन अलग अलग चीज़ें उसने बोला कि मुझे चाहिए, बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई मुझे चाहिए। आप क्या करेंगे, वो वेयर हाउस में जो आपका वेयर हाउस है, वहाँ पे तीन अलग अलग जगहों से वो सामान मंगवाएंगे, उनको एक पैकेट में डालेंगे और वो अपने फ्रेंड को भेज देंगे। देखो अगर एक, यहाँ पे ये एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एक कस्टमर है जिसको तीनों प्रोडक्ट चाहिए, ए बी सी, तीनों प्रोडक्ट चाहिए, बट वो
तीनों प्रोडक्ट ना तीन अलग अलग जगह पे मिलते हैं, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी, तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स तीन अलग अलग जगह पे मिलते हैं, बट चाहिए एक ही बंदे को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेयरहाउस में तीनों प्लांट से अलग अलग सामान मंगवाएंगे और यहाँ पे मिक्स मतलब साथ में लाएंगे और वो साथ में पूरा प्रोडक्ट एक साथ हम लोग वो बंदे को भेज देंगे जैसे चाहिए। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। कंसोलिडेशन, क्या कंसोलिडेशन समझ में आया बेटे, कोई डाउट है आप लोगों को? आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए प्लीज बेटे अगर कोई डाउट्स हैं तो। समझ गया, चलो ग्रेट 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 ओके। देखो थियरी देख ले बेटा, वेयरहाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट्स, वो क्या करता है, रिसीव करता है और कंसोलिडेट करता है, मतलब साथ में लाता है अलग अलग मटेरियल्स हो गए, गुड्स हो गए, जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है, और उनको अगर एक जगह पे डिस्पैच करना है तो वो डिस्पैच भी करके देता है, ठीक है। नो डाउट, ऑल क्लियर, नो डाउट, ओके, यस नयन आई एम फाइन बेटा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, थैंक यू बेटा। आई होप आप सब भी अच्छे हैं, आप सब लोग भी सेफ हैं, घर पे सब बढ़िया है ना, ओके ग्रेट ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है बेटा दैट इज ब्रेकिंग द बल्क। ब्रेकिंग द बल्क का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, अब वो प्लांट से आपको अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है बेटा, सामान भेजना है, ठीक है, तीन अलग अलग कस्टमर्स को आपको क्या करना है बेटा, सामान भेजना है, राइट। अब एक प्लांट से बहुत बड़ा ऑर्डर आप लेके आएंगे और अलग अलग लोगों को, है ना, अब तीन दोस्त हैं आपके, ये देखो ये जो है ना कस्टमर, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, आपने क्या किया, प्लांट एक प्लांट से आपने बल्क में सामान ले लिया, कस्टमर ए को 10 यूनिट चाहिए था आपने उसको 10 दे दिए, कस्टमर ए को बी को 12 चाहिए थे उसको 12 दे दिए, कस्टमर सी को 15 यूनिट्स चाहिए थे उसको 15 दे दिए। तो जिसको जितना यूनिट्स चाहिए, जिसको जितना सामान चाहिए उतना हम दे दे रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग बल्क में ऑर्डर लेके उसको छोटे छोटे क्वांटिटीज में हम आगे दे दे रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रेकिंग द बल्क। इसे क्या कहते हैं बेटा, ब्रेकिंग द बल्क, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्टॉक पाइलिंग। भाई स्टॉक पाइलिंग का मतलब क्या है, देखो आप लोग गुड्स जो है उनको आप एक के ऊपर एक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, स्टॉक पाइलिंग, आप गुड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। ये कहाँ पॉसिबल है बेटा, इट इज ओनली पॉसिबल इन वेयर हाउसिंग। ये कहाँ पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इन वेयर हाउसिंग, है ना। पाइलिंग मतलब क्या है बेटा, चीजों को एक के ऊपर एक प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, उसे हम कहते हैं पाइलिंग करना। अब जैसे देखो ये गुड्स हैं, फिर ये इसके ऊपर मैं वापस मैंने गुड्स रखा, जो गुड्स हमें पहले चाहिए वो ऊपर रखेंगे या सामने रखेंगे, जो गुड्स बाद में चाहिए उसको पीछे रखेंगे या नीचे रखेंगे, एज सिंपल एज दैट। ये हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टॉक पाइलिंग, एक के ऊपर एक जमा करके रखते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया बेटे। नेक्स्ट जो है ना बेटा, लास्ट लाइन, आज इतना ही करेंगे हम लोग, आज इतना ही करेंगे, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस बस यही एक टॉपिक है। दूसरा है बेटा वैल्यू एडेड सर्विस, है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक जो चौथा पॉइंट है वो क्या है बेटा, वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे ट्रांजिट मिक्सिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ये सब कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी वेयरहाउसेस करके देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजिट मिक्सिंग क्या होता है बेटा, आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखो तीन अलग अलग प्लांट्स है, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तीनों अलग अलग चीजें बना रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, तीन प्लांट से तीनों अलग अलग चीजें बना रहे हैं। और एक चौथा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डी, जो आपके पास में है। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हो गए बेटा हमारे एग्जांपल में, चार, ए बी सी डी, ठीक है, डी तो हमारे पास में है, प्लांट ए बी सी से हम लोग प्रोडक्ट ए बी सी ले सकते हैं। अब अलग अलग कस्टमर्स हैं, कस्टमर डब्ल्यू है, एक्स है, वाई, अभी बैक, क्या हम वापस आ गए हैं?
यस ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो देखिए बेटा चार अलग अलग प्लांट्स थे, वो चार अलग अलग प्लांट्स में चार अलग अलग प्रोडक्ट्स थे. अब जिसको जैसे जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए हम क्या करेंगे बेटा, उसको वो प्रोडक्ट्स हम दे देंगे. अब कस्टमर एक्स को भी ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट चाहिए, बट कस्टमर वाई को सिर्फ तीन ही प्रोडक्ट चाहिए ए बी सी, तो उसको तीन प्रोडक्ट देंगे. कस्टमर जेड को दो ही प्रोडक्ट चाहिए ए बी, तो उसको वैसा देंगे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं भाई, जिसको जो चाहिए उसको वैसा हम लोग प्रोवाइड करके देंगे. ये कहाँ होगा बेटा, ये पूरा जो मिक्स एंड मैच है ये हम लोग वेयर हाउस में कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं ट्रांजिट मिक्सिंग. इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिट मिक्सिंग. ठीक है, आई एम सॉरी, पैकेजिंग. पैकेजिंग का मतलब क्या है बेटा, गुड्स को प्रॉपर पैकेज में भेजना. नाउ पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका इंफॉर्मेशन बताता है गुड्स का, गुड्स की डिटेल बताता है, फिर इसके बाद में गुड्स को थोड़ा सा उसको सेफ भी रखता है, डैमेज से बोलो या तो फिर कहीं नुकसान से बोलो, कुछ भी इससे कहीं ठोकर ओकर लग गई तो टूट टाट ना जाए, मौसम हो गया, नमी हो गई, ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं. ठीक है, ये भी वेयरहाउस में हो सकता है. ग्रेडिंग एंड लेबलिंग. ग्रेडिंग का मतलब क्या बेटा, जो अच्छा है, जो ठीक ठाक है, जो थोड़ा सा खराब है उसको आप अलग अलग कर लें, है ना, सॉर्ट कर लें अलग अलग, इसे हम कहेंगे ग्रेड करना, अच्छा बुरा ये सब में अलग अलग कर लें. लेबलिंग मतलब भाई आप क्या कर रहे हैं, उसका उसका इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेबल कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वेयर हाउस में कर सकते हैं. फिर आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन, बहुत आसान. देखो वेयर हाउस में गुड्स जो है बेटा वो स्टोर होकर रहते हैं, वेयर हाउस में गुड्स जो हैं वो स्टोर होकर रहते हैं. ठीक है, लंबे समय के लिए गुड्स स्टोर होकर रहते हैं. नाउ अगर मैं वेयरहाउस की बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा, जब भी गुड्स स्टोर होके रह रहे हैं और अगर एकदम से डिमांड बढ़ी तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं. आपके पास गुड्स हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ी, हमने सप्लाई कर दिया, तो देखो डिमांड बढ़ा और सप्लाई भी मैच हो गया तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट अगर डिमांड बढ़ा और सप्लाई नहीं हो पाया ना तो प्राइस बढ़ जाएगा, जो हम नहीं चाहते, है ना. तो इस तरीके से वेयरहाउस आपको क्या करता है बेटा, प्राइस को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है. ठीक है, फिर आता है फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग में दो तरीके हैं बेटा. आप क्या कर सकते हैं, आपके जो गुड्स वेयरहाउस में रखे हैं, आपके जो गुड्स वेयरहाउस में रखे हैं उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं. ठीक है, आप लोन ले सकते हैं. अब देखो वेयरहाउस नहीं रहता तो आप गुड्स वेयरहाउस में नहीं रख पाते और आप लोन भी नहीं ले पाते, पहली बात. दूसरा, आप वेयरहाउस से ही फाइनेंस ले सकते हैं कि भाई मेरे गुड्स यहाँ पे रखें, आप मुझे कुछ पैसा दे दो. तो इस तरीके से फाइनेंस में भी आपको मदद करता है वेयरहाउस. एंड लास्ट आता है बेटा रिस्क बेयरिंग. रिस्क बेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई जो भी गुड्स हैं, अब वो वेयरहाउस में गुड्स रखे हैं तो जो वेयरहाउस कीपर रहता है ना बेटा, वो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है, तो बारिश, नमी, है ना, चोरी, ये सब से बचाता है वेयरहाउस. नहीं तो आपके यहाँ पे रखे रहेंगे तो हो सकता है आपके यहाँ पे फैसिलिटी ना हो प्रॉपर जगह पे रखने के लिए, जो है भाई वो नुकसान से बचाने के लिए हम लोग वेयरहाउस में गुड्स रख लेते हैं. तो ये कुछ फंक्शंस हैं बेटा जो कि वेयरहाउस आपको करके देता है, वेयरहाउसिंग के ये कुछ फंक्शंस हैं. आई होप ये क्लियर है बेटा आप लोगों को. फर्स्ट स्लाइड एक बार शो कर दूं, ये रहा बेटा फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज लेते हैं, छोटा सा क्विज, 10 सवाल का एंड 40 सेकेंड्स, 10 क्वेश्चंस एंड 40 सेकेंड्स, एक छोटा सा क्विज. चल ग्रेट.
जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ जी, तो जो क्विज कोड है बेटा, क्विज कोड जो है डबल सिक्स ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन सेवन इज द कोड, डबल सिक्स ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन सेवन. आ जाइए भाई, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब लोग. एंड जो नहीं जानते हैं कि ये क्विज को कैसे ज्वाइन करना है, तो बेटे आप लोगों को सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाने के बाद में आपको वहाँ पे प्लस टैब में जाके टेस्ट को सिलेक्ट करना है. नीचे में आएगा टेस्ट, ठीक है. नीचे में जब टेस्ट आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन क्विज. तो ज्वाइन क्विज में जाके आपको ये कोड डालना है 66117, ठीक है. एंड आप लोग क्विज ज्वाइन कर पाओगे. आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई. नयन व्हाट इज ए डाउट, क्या डाउट है बेटा, क्या डाउट है बेटा नयन. नयन व्हाट इज योर डाउट, हाँ बेटा कुछ है. एक मिनट नयन को कुछ डाउट है. नयन बेटे क्या डाउट है आपका. टाइम चेंज बेटा, टाइम चेंज बहुत मुश्किल है. देखते हैं, कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ, ठीक है. चलो अभी क्विज शुरू कर लेते हैं, क्विज शुरू कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट.
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आप और क्या कहते हैं? ये बहुत आसान है, ओहो कोई बात नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। परिमल कुचिया, नयन, जैद, अमन, अभिषेक, करण, सिमरन, मनप्रीत। ओके, करण सिमरन मनप्रीत का गलत हो गया। इन विच ईयर वॉज द पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड, कौन से साल में पीएनबी बनाया गया था? बहुत आसान, 1894, 1884, 1915 या 1913। ओ गुड गुड, काफी लोगों ने सही किया, 1894। ठीक है, परिमल, नयन, कुचिया, जैद, अमन, करण, सिमरन, मनप्रीत एंड अभिषेक। ओके, विच इज या आर टाइप्स ऑफ कोलैटरल यूज्ड इन बैंकिंग फाइनेंस, है ना, किनके बदले में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं? इन्वेंटरी फाइनेंसिंग, ज्वेलरी, रियल एस्टेट या ऑल ऑफ द अबव। All of the above is the right answer. Good. बढ़िया बढ़िया। Which is the oldest stock exchange of India? सबसे पुराना stock exchange कौन सा है? बहुत आसान, ये कई बार कर लिया हम लोगों ने। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? क्या बात है, वेरी गुड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर। परिमल, नयन, जैद, कुचिया, अमन, करण, अभिषेक, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत, वेरी गुड। मार्क द सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग assertion, banks keep only a small percentage, that is 15% of the deposit, as cash with them independently. Reason, it is kept to meet the requirements as and when asked by the depositor. इनमें से कौन सा सही? नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेटा, and I will let you know, time का जैसा भी रहेगा, जब भी change होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बट आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं बेटा जो ये चैनल पे पढ़ाते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, मेरे अलावा बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। नयन, परिमल, कुचिया, जैद, अमन, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत एंड अभिषेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, बहुत आसान है, गाड़ी का नाम।
क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। नयन, परिमल, कुचिया, मन, जैद, अमन, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत एंड अभिषेक। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ जनरेशन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर कमर्शियल बैंकिंग। इनमें से कमर्शियल बैंकिंग पैसे कैसे कमाता है? बिजनेस डेट से, रियल एस्टेट से, लोन से, या ना नाती है पर? यस, लोन देकर, वेरी गुड। नयन, परिमल, कुचिया, जैद, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत, अमन एंड अभिषेक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कस्टमर प्रोडक्ट इंडेक्स। ये तो सबने सही करना चाहिए, काफी आसान। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेरी गुड वेरी गुड। नयन, परिमल, कुचिया, जैद, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत, अमन एंड अभिषेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट? लिक्विडिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एड्स टू पे द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट हेल्प्स टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, बोथ ए एंड बी, या तो फिर नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, दोनों ही हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कैश रिजर्व रेशियो दोनों में आता है। परिमल, नयन, कुचिया, जैद, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत, अमन एंड अभिषेक। लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज? इनमें से कौन सा बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स या नॉन ऑफ द अबव? कौन वो बैंक है जो कि ये लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए? क्या बात है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इज द राइट आंसर। परिमल, नयन, कुचिया, जैद, करण, ऋतु, सिमरन, मनप्रीत, अमन एंड अभिषेक। वेरी गुड गाइस, अच्छा किया आप लोगों ने। वैष्णवी, चलो वैष्णवी भी हैं, 11th पे हैं, चलो वेरी गुड गाइस, बहुत 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 बढ़िया। तो भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, जो हम लोग कल करेंगे, है ना। कल मैं आप लोगों से मिलूंगा 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बेटा, बाय परिमल। आई होप आप लोग को समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डू यू गाइज हैव एनी डाउट? इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और एल्स मैं ये बंद करता हूँ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने। कोई बात नहीं बेटा वैष्णवी, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं सत्यम, कोई बात नहीं बेटा,
You're most welcome. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध दिन हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, हम लोग कल मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग को लगता है तो, आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए, स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस, ठीक है, तो आप वहाँ जाके बिल्कुल देखिए अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री क्लासेस हैं बेटा, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो वहाँ पे एक बार जाकर देखिए कि क्या मज़ा आता है पढ़ने में, राइट। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 8 PM, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें ना, जस्ट बी काइंड इन दिस वर्ल्ड एंड स्प्रेड लव, ठीक है, बाय बाय।